भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये बहरुपिया सा जीवन हमारा, मंदिर में कुछ, घर में कुछ, रसोई में कुछ, ड्रेसिंग टेबल में कुछ और चेहरा हो जाता है। छोड़िए जीवन, एक सजीवन जीवन। इसलिए तो दिगंबर संतों के लिए कोई भेष, कोई आभूषण, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं दिया। भभूत का तिलक लगाना भी मना है, क्योंकि नहीं तो तुम दिन भर ही अपना रूप बदलते रहोगे। हमारा रूप तो सदा ऐसा रहता है। और संतों की ड्रेस, आपके कपड़े आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस सदा अप टू डेट हुआ करती है। ए आउट ऑफ डेट कभी नहीं, महावीर के समय से चली आ रही है। कितनी बढ़िया ड्रेस है, लुक करे, धोती दुपट्टा पहने, कंफर्टेबल नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पागलो, तुम्हें तो उतना है, मुझे तो उतना भी नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ना धोना, ना सुखाना, ना प्रेस करना, क्या दिक्कत है? ना इसमें कोई नई फैशन आना, ना पुरानी फैशन होना, कितनी बढ़िया ड्रेस है। एक आदमी बोला, महाराज आप रहते कहां हो, आपका आश्रम कहां? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो बोले आपका कोई एड्रेस? मैंने कहा जिसकी ड्रेस नहीं उसका एड्रेस नहीं, जानो जिसकी ड्रेस होती है उसका एड्रेस होता है। यहां नो कपड़ा नो लफड़ा, कितनी बढ़िया ड्रेस। कभी भी आए बोले महाराज वहां तैयार हो जाइए। अब महाराज क्या तैयार होंगे, नंग धड़ंग बाबा ये तैयार क्या होगा, हम तो 24 घंटे तैयार हैं। कार्यक्रम में जाने को क्या, मौत भी आ जाए तो दिगंबर संत उसके साथ चलने को तैयार रहा करता है, उसे अलग से कोई तैयारी की जरूरत है। भीतर बाहर एक सा स्वरूप है। आप कितने बहरूपिया स्वरूप बनाते, कभी लाल कभी काला कभी नीला कभी पीला कहीं हरा कभी गुलाबी, नहीं यहां तो एक ही रंग है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, ध्यान रखिए। दिगंबर साधना आर्जव धर्म, भीतर बाहर एक। बगले से तो कागा अच्छा होता है जो बाहर भी काला होता है और भीतर भी। बगला तो बाहर से सफेद भीतर से काला। नदी किनारे बैठ जाएगा, ऐसा ध्यान लगाएगा, आंख बंद करके एक पांव उठा लेगा, बगुला भगत ना हिलेगा ना डुलेगा, मछली आएगी फट से मछली को पकड़ लेगा। ध्यान रखना ये बगुला है, बाहर से तपस्वी भीतर का भोगी। ध्यान पहचानिए अपने जीवन जिंदगी को, दूसरों को ज्यादा मत छेड़ो। दूसरों का मुंह काला करने से पहले ये बात ध्यान रखना, अपने हाथ काले हो जाते हैं। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में बाद में उतरेगा, तुम गड्ढे में पहले उतर जाओगे। ध्यान आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। दूसरों का घर फूंकने से अपने घर में खुशहाली नहीं आती है। घरों को बसाइए। मैं प्रवचन करता हूं, मैं उपदेश देता हूं, तुम्हारे घर अच्छे से बस जाए, तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए, नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, कोई दुखी ना रहे इस संसार में, इस संत का प्रयास रहता है। मान मान कुटिलता से बचिए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अजमेर से चला, कहां पहुंचा? कौन बोला ग्वालियर? वो तो बाजू में बैठे मुल्ला जी। अजमेर से चला ग्वालियर, रविवार का दिन, आज कई दिन था,
उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, चलो बीबी को ले आते हैं, इसके बाद तो फिर हफ्ते भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। बहुत रश चल रहा था, जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा इतनी भीड़ ट्रेन में पैर रखने को भी जगह। मुल्ला ने कहा यार जाना आज ही है, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 8 दिन तक फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। उसके दिमाग में खुरापात सूझी, वो अजमेर के स्टेशन में प्लेटफार्म से बाहर निकला और उसने मेला लगा हुआ था, एक चाबी भरने वाला सांप खरीद लिया, फुल चाबी भरी, इतनी भरी कि 10 मिनट तक चलता रहे और एक बोगी में सांप छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा लोग बोले सांप सांप सांप, 2 मिनट के अंदर डिब्बा खाली, अभी निकला है नागिन, ये प्रवचन छोड़ के भग जाएंगे, ध्यान रखना। वो सबसे पहले वो भागेंगे जिनकी उम्र 80 साल है, उन्हें ज्यादा जीने की इच्छा है। 2 मिनट में बोगी खाली हो गई, उठाया अपना बोरिया बिस्तर बैग फेंका फटाफट, बोले सांप काट लेगा। मुल्ला ने देखा मजा आ गया, बोगी खाली, सीट नहीं मिल रही थी, तुम मत कर देना ऐसा। उसने उठाया अपना सांप, अपने झोले में रखा, सिरहाने रखा और सो गया आराम से। दोपहर को नींद खुली, एक चाय बेचने वाला आया, कैसे बेचा रे पारस, एक चाय बेचने आया हूं बाबूजी, चाय ले लो चाय। मुल्ला ने खिड़की खोली, बोले कौन सा स्टेशन है, बोले अजमेर, बोले अजमेर, अजमेर से तो ये गाड़ी सुबह 8 बजे चली जाती है, 4 बज रहे अभी तक गई नहीं क्या, बोले गाड़ी तो गई, तो बोले हुआ क्या, बोले इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है, ट्रेन तो चली गई। ध्यान रंचक दगा बहुत दुखदानी, खड़े रहो बेटा सोते रहो, सिराना लगा है ट्रेन तो ग्वालियर गई। चलोगे खुद चले, मुल्ला ने कहा चलो फंस गए अपन उल्टे। बोला मूर्ख तू सो काय को गया था, सारी सवारी दूसरे डिब्बे में सेट की और ट्रेन पहुंच गई ग्वालियर। भाई साहब पड़े हैं अजमेर, चल रहे हैं दोस्तों। मुल्ले के बड़े कहानियां हैं, किससे है? एक खोटा सिक्का मिल गया मुल्ला को, ट्रेन में सफर कर रहा था, सफर करते हुए क्या घटना घटी, उसने कहा यार एक खोटा सिक्का तो चला नहीं है, अब देखो कैसे चलता है, संदीप है अपना, हर सिक्का चला देता है। बोले खोटा सिक्का चलाना है, कैसे चलेगा? उसने कहा एक काम करते हैं, जब ट्रेन छूटने लगे स्टेशन से जो भी मिले खरीद लेंगे, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, अपना खोटा सिक्का चल जाएगा। अब हुआ क्या, किस्मत के मारा वो मुल्ला, जैसे ही ट्रेन छूटी कुछ नहीं मिला, अखबार वाला आया, अरे उसने कहा चलो इसे ही टिकाओ, रास्ते में अखबार पढ़ेंगे। उसने कहा ले ये सिक्का अखबार दे दे, जैसे ही अखबार दिया ट्रेन बढ़ गई। मुल्ला ने कहा भाई भाई, अरे उसने कहा बड़ा खुश हो रहा अखबार लेके, उसने देखा यार कमबख्त खोटा सिक्का पकड़ा गया। उसने कहा ले जा मुल्ला ले जा, अखबार भी 15 दिन पुराना है, मैंने कौन सा आज का दिया है। ध्यान रख, रंचक धगा बहुत दुखदानी, विचार करना है, सरल स्वभावी होए ताके घर भू संपदा, सरलता। मैंने कहा ना कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह पुण्य के उदय से मिलता है, छल कपट से नहीं, लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता। ध्यान रखिए, ज्यादा दिन छल कपट से सुख हमारे जीवन में ठहर नहीं, सरल स्वभाव, बिल्कुल सरलता, बिल्कुल सहजता। एक बात याद रखना, छल कपट के व्यवहार हम लाख छुपाएं सामने वाले को पता चल जाते हैं, लाख छिपाइए, लाख पर्दे में रखो छल कपट को, सामने वाला समझ जाए। एक बुढ़िया जंगल से जा रही थी,
पोटली रखी थी, एक घुड़सवार निकला। बुढ़िया ने कहा मुझे जंगल पार करा दो, मैं बुढ़िया हूं, मैं थक गई हूं चलते चलते। घुड़सवार ने कहा चला बुढ़िया, तुझे कौन पार कराएगा, आ जा जहां आना है गरीब भिखारिन। बुढ़िया कुछ ना बोली, पोटली सीने से लगाई, चलते रही। थोड़ी दूर चल के उस आदमी के मन में आया, यार जंगल बड़ा घना है, बुढ़िया अकेली है और पोटली सीने से लगा रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ माल जरूर होगा। लौटा, बोले पोटली ही तो दे रही थी, बैठने को थोड़ी कह रही थी, कह रही थी मेरी पोटली वहां पहुंचा देना, और मैं भी बदकिस्मत आदमी इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। लौट के आया, बोले अम्मा ला अपनी पोटली दे दे। बुढ़िया ने कहा मैं नहीं देती। अरे उसने कहा अभी तो दे रही थी ना, थक जाएगी बुढ़िया है, ला मैं वहां छोड़ दूंगा। बुढ़िया ने कहा अब नहीं दूंगी। घुड़सवार ने कहा किसी ने कुछ कह दिया, बोले हाँ जिसने तेरे मन में कह दिया उसी ने मेरे मन में कह दिया, अब मैं तुझे पोटली देने वाली नहीं। ध्यान रख छल कपट समझ में आ जाते हैं, जो उधर कहता है वो इधर भी सूचना दे दिया करता है। किसी के प्रति प्रेम जगा है निश्चल प्रेम, तो बदले में प्रेम लौट कर जरूर आएगा, चाहे वक्त कितना भी क्यों ना लग जाए। और किसी के अंदर छल प्रपंच भरा है, समय रहते वह लौट करके जरूर वापस आएगा। विचारों का संप्रेषण है, किसी के प्रति पवित्र भावना है तो पवित्र दुआ निकल के जाएगी। कोई छल कपट से आता है संतों के पास तो वह देते तो दुआ है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बद्दुआ में परिवर्तित हो जाया करती है। दिगंबर संत कभी बद्दुआ नहीं देते, वह तो दुआ ही देते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रपंच ऐसा होता है कि उनकी दुआ भी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाया करती है, उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाता है। ध्यान रखना, वो नहीं देते कभी अभिशाप, सरल स्वभाव में जीने। एक बात याद रखना, छल कपट करने वाला नजरों से गिरता है। ऊपर की छत से चार मंजिल से गिर के उठ सकते हो, किसी गाड़ी से गिर के उठ सकते हो, लेकिन नजरों से गिर के आदमी जिंदगी में कभी नहीं उठा करता है। आंखों से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति कभी नहीं उठा करता है। इन छल प्रपंच से सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी इज्जत आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक चोर था, कहीं से घोड़ी चुरा लाया। अब घोड़ी तो चुरा लाया, अब चोरी की घोड़ी कब तक घर में रखे, छोटी सी चीज भी नहीं कि छिपा के रख दे। पत्नी ने कहा घोड़ी तो अच्छी है, ऐसा करो इसे मेले में बेच जाओ, पैसा आएगा घर चलेगा, घोड़ी तो फंसवा देगी किसी दिन। जैसे ही गया घोड़ी लेकर मेला में बेचने, अब चोरी का माल मेले के एक तरफ एकांत में बैठा, कई घोड़ी खरीदने वाले आए, उन्होंने कहा घोड़ी कितने में बेचोगे। अरे बोले ले जाओ बहुत अच्छी घोड़ी है। एक ने कहा कितने में देगा, बोले 500 रुपए में। अरे एक घोड़ी लेने वाले ने कहा पागल, 50,000 का माल 500 में दे रहा, अब क्या करे चोरी का माल, वो तो औने पौने दाम में बिकेगा ही बिकेगा। अरे बोले 50,000 दूंगा, मुझे घोड़ी पसंद है। इतना खुश हुआ 50,000 ये घोड़ी का, बोले ले जा भाई साहब 50,000 में देता हूं, लेकिन बोले एक बात याद रख। बोले क्या, बोले पहले मैं चेक करूंगा 500 में दे रहा है गड़बड़ तो नहीं है कहीं, 3 चक्कर लगाऊंगा मेले के, उसके बाद आकर तुझे पैसा दूंगा। का चोर को कि ले हुक्का पकड़, मैं घोड़ी से चक्कर लगा के आता हूं। हुक्का दिया मुल्ला ने, हुक्का लिया
और खरीदने वाला घोड़ी पर बैठा एड़ लगाई, घोड़ी भागी तूफान की तरह। कहते हैं 9 बजे की भागी, शाम को 9 बजे तक नहीं आई। देख रहा है कहां गई घोड़ी, पूरे मेले में खोजा घोड़ी गायब। घर पहुंचा मुंह लटकाए, पत्नी ने कहा क्या हुआ, घोड़ी बिक गई? बोले बिक गई। तो बोले कितने में? बोले जितने में आई। समझ गए क्या, उतने में बिक गई। तो पत्नी ने कहा करम चले, तेरे हाथ क्या लगा? बोले हुक्का लगा है तो गुड़गुड़ा रहा, घोड़ी तो चली गई मेरे हाथ से। ध्यान चल सरलता सहज। एक मैंने कहानी पढ़ी थी अपने बचपन में, आपने भी पढ़ी होगी, बड़ी प्यारी कहानी, 5वीं 6वीं क्लास। एक बहुत बड़े संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए, बाबा भारती की कहानी पढ़ी होगी। उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। सुल्तान के बड़े चर्चे थे पूरे दुनिया में। एक दिन बाबा भारती के सुल्तान घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ गया, यही नाम थे कहानी मुझे याद है, डाकू खड़क सिंह का नाम। डाकू खड़क सिंह ने जैसे ही देखा सुल्तान पे नजर पड़ी, डाकू ने कहा ये बाबा क्या करेगा इस घोड़े का, ये घोड़ा मुझे लेना चाहिए। लेकिन बाबा ऐसे तो घोड़ा देगा नहीं, सुल्तान बड़ा वफादार घोड़ा है, ये मेरे कब्जे में आ जाए तो सारी दुनिया की दौलत मेरे हाथ में आ जाएगी। बिजली की चमक की तरह भागता है, इशारों पे काम करता है, सुल्तान जैसा कोई घोड़ा नहीं। क्या करूं, कैसे हासिल करूं? उसके मन में आया कि बाबा भारती संत प्रवृत्ति के आदमी हैं। एक बात ध्यान रखना अजमेर वालों, धर्म के साथ जितना अधर्म किया जाता है उतना अधर्म के साथ अधर्म नहीं किया जा सकता है। सारी दुनिया धर्म के साथ अधर्म करती है, दया प्रवृत्ति होगी रोज चलेंगे तुम्हें, करुणा होगी धोखे मिलेंगे, लेकिन फिर भी सत्पुरुष अपनी सच्चाई का मार्ग कभी चौड़ा नहीं करते। हम संत भी हैं, बड़े उलाहने सहते हैं, बड़े ताने मिलते हैं, ये तो ऐसे महाराज, ये तो वैसे महाराज, ये तो पैसे वालों के महाराज, ये तो मॉडर्न महाराज, ये तो आधुनिक महाराज। कोई बात नहीं, काय का कैसे, यहां मुझे थोड़ी खुशी है, एक ही चौका लगवा रहा हूं, जहां चार लगते तो कहते हाँ ये तो पैसे वाले के महाराज, मेरे यहाँ काय को आएंगे। मैंने संदीप से कहा लफड़ा खत्म कर, 2 रोटी खाना 4 ताने कौन सुनेगा, ध्यान रखना, मैं सीधे जाओ, पैसे वाला हो गरीब हो जाना तो वही अपना प्रीति हो अच्छा, काय को 1 घंटे हम भी परेशान हो तुम भी हो, नहीं आए फिर हम गाली खाएं, सुबह से बनाओ दिन भर पछताओ, लगे हैं मेहनत कर रहे महाराज नहीं आए, वो किसी के यहाँ चले, हमें तो मालूम था वही जाओगे, जब तुझे मालूम था तो रामलाल पड़गा काय के लिए रहा था तुम, बड़े एक एक गिरास 1000 रिस्क है हमारे साथ, बच्चों का खेल नहीं, एक एक गिरास में ताने मिलते हैं सुनने को, लेकिन सत्पुरुष इन सब से कभी अपने रास्ते को बदलते नहीं।